जबलपुर में गौ क्षेत्र में आज उस समय गहमा गहमी मच गई जब जिला प्रशासन का अमला पूरे दल बल के साथ गौ चौकी के समीप पहुंचा। एक पल को लग रहा था कि आज गौ पुलिस चौकी को ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन अतिक्रमण दस्ता जब गौ चौकी के पीछे बने रैन बसेरा होटल की तरफ पहुंचा तो लोगों को मालूम हुआ कि रैन बसेरा का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और नगर निगम के साथ जबलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम गौर में नदी के 100 मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। एसडीएम जबलपुर नमा शिवाय अलजरिया के अनुसार होटल रैन बसेरा के संचालक मुन्ना सोनकर द्वारा गौर नदी के क्षेत्र में अवैध रूप से लॉन बना लिया गया है और समीप ही बिना अनुमति के रिहायशी भवन भी बनाया जा रहा है। लगभग 49,000 वर्ग फुट भूमि पर नियम विरुद्ध किए गए इन निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर आज सुबह प्रारंभ की गई। प्रशासनिक अधिकारियों से हुई माफिया की बहस, बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन अधिकारी और रैन बसेरा संचालक के बीच बहस हुई है। इस दौरान संचालक ने निर्माण कार्य के दस्तावेज और अधिकारियों को दिखाए, परंतु अधिकारी नहीं माने और अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आदेश दिए गए। जबलपुर से वादत खान की रिपोर्ट। स्क्वायर फीट पर इस प्रकार के अवैध निर्माण मौके पर पाए गए हैं।